सब्सक्राइब करिए इरफान तंत्री चैनल को और बेल आइकॉन दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ इरफान और आप देख रहे हो मेरे चैनल इरफान तंत्री को। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने चैनल पर ऐड कैसे की जाती है, कि जैसे फ्लडिंग आइकॉन, बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, ये कैसे लगाया जाता है। तो अगर आप ये सब देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और अपने चैनल पे जाके स्क्रीनशॉट ले लेना, एक अनसब्सक्राइब का एक सब्सक्राइब का, दो स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद इसको मिनिमाइज करके आप सीधा अपने इसमें आ जाना, अपनी गैलरी में जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया है इस स्क्रीनशॉट पे आ जाए। फ्रेंड, शुरू करने से पहले बताता जा रहा हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँची रहे। तो फ्रेंड, चलो शुरू करते हैं। हम इसको शेयर में डाल के पिक्स हार्ट में डाल देते हैं इसको। ये मैं इसको शेयर में डाल के पिक्स हार्ट में डाल दिया, और जब तक खुलते हैं तब तक थोड़ी बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन इंटरेस्टेड वीडियो है, आप इसको लास्ट तक देखते रहना। ये मैं इसको यहाँ पे मैंने डाल के, अब मैं ऐड फोटो में, अभी मैंने जो सब्सक्राइब का बटन उठाया था वहाँ से, तो ये मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ इसको। ये मैं क्रॉप करता हूँ, क्रॉप करने के बाद इसको, ये जो सब्सक्राइब का फ़ोटो शॉट लिया था मैंने, इसको सीधा यहाँ पे ले आता हूँ जहाँ पर कितने सब्सक्राइबर लिखे हुए हैं। ये आसानी सा तरीका है, इसको आप अपने ही चैनल से बना सकते हो, किसी की चैनल पे स्क्रीनशॉट नहीं लेना। तो ये आपने, ये हमने स्क्रीनशॉट लेके इसको एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद हम इसको ओके कर देते हैं, फिर ऐड फोटो में जाते हैं और यहाँ से गैलरी में जाते हैं। यहाँ से फिर जो हमने कोई स्क्रीनशॉट उठाया है, तो हम स्क्रीनशॉट में से बेल आइकॉन को जो है कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ बहुत सारे स्क्रीनशॉट ले रखे हैं मैंने, तो मैं एक स्क्रीन सब्सक्राइबर का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इसमें बेल आइकॉन नहीं है, मैं दूसरा ले लेता हूँ जिसमें बेल आइकॉन का स्क्रीनशॉट है। फ्रेंड्स, इंतज़ार करिए थोड़ा, मैं इसको बेल आइकॉन वाला स्क्रीनशॉट उठा रहा हूँ। वेट करो थोड़ा, यहाँ बेल आइकॉन है, ये दूसरा वाला है, लेकिन मुझे चाहिए दूसरे वाला। अभी हम, मैं इसको स्क्रीनशॉट को उठा देता हूँ, यहाँ पे ये बेल आइकॉन मिल गया है, मैं इसको क्रॉप करके खाली बेल आइकॉन को उठाता हूँ। ये मैं बेल आइकॉन को उठा लिया हूँ, और ये बेल आइकॉन मैं इसको यहीं पर चैनल के साथ एडजस्ट कर देता हूँ, जैसे आपको सेम ऐसे ही मिलेगा वहाँ पे भी। तो ये मैंने एडजस्ट कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद ये मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है इसको, उसके बाद थोड़ा सा और सेटिंग कर देता हूँ इसकी मैं। ये मैंने इसकी सेटिंग कर दी है और फिर इसको ओके कर दिया है। ओके करने के बाद यहाँ पर आगे सब्सक्राइबर हमारे कितने हैं वो हम उसको डाल देते हैं। फिर हम जाते हैं गैलरी में, गैलरी में जाने के बाद हम फिर से गैलरी में जाने के बाद हम यहाँ से एक स्क्रीनशॉट को फिर उठा लेते हैं। स्क्रीनशॉट को उठाने के बाद हम फिर क्रॉप पे जाते हैं। क्रॉप पे जाने के बाद हम यहाँ पे हमारे कितने सब्सक्राइबर हैं, ये 103 सब्सक्राइबर हैं हमारे, हमने इसको उनको उठा लिया, और ये 103 सब्सक्राइबर हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। ये हमारे 103 सब्सक्राइबर एडजस्ट हो गए हैं। उसके बाद हम इसको, ये हो गया सेट, हम इसको ओके करके इस फ़ोटो को गैलरी में सेव कर लेते हैं। ये हमारा फ़ोटो इसी साइज़ में सेव कर लेना, साइज़ कोई घटाना बढ़ाना नहीं, क्योंकि ये साइज सेट हो जाएगा। तो ये हमारा फोटो सेव हो चुका है गैलरी में। उसके बाद हम इसको जो है फिर पीछे कर लेते हैं, दूसरा स्क्रीनशॉट उठा लो, या इसी स्क्रीनशॉट में जो आपने मॉडिफाई किया है उसको हटा दो। हटाने के बाद यहाँ पे आप फिर वहाँ से जो है उस स्क्रीनशॉट को उठाओ। स्क्रीनशॉट में ये मैं स्क्रीनशॉट उठा रहा हूँ,
और इसको फिर ओके कर रहा हूँ और यहाँ से फिर क्रॉप कर रहा हूँ। क्रॉप करके करने के बाद फिर मैं इसको यहाँ से उठा रहा हूँ। उठाने के बाद यहाँ जो मैंने अभी रेड कलर का सब्सक्राइबर लगाया था उसी की जगह मैं ये अनसब्सक्राइबर ये सब्सक्राइब लगा देता हूँ। एक मिनट मैं बेल आइकन को हटा ही देता हूँ, सिर्फ सब्सक्राइब रखता हूँ। ये सब्सक्राइब मैंने रख दिया और ये मैं इसको सेटिंग कर लेता हूँ। सेटिंग करने के बाद ये हो चुका सब्सक्राइब। थोड़ा टाइम लगेगा तो वेट करना, मेरी वीडियो इंटरेस्टेड है इसको लास्ट तक देखते रहना। ये मैंने इसको सेट कर दिया, सेट कर लेते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। और मैं तो उतना अच्छा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें टाइम लग जाता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से इसको सेट कर लेना। सेट हुआ फिर मैं यहाँ से ऐड टू इमेज में जाऊँगा और फिर इसी फोटो स्क्रीन शॉट को उठाऊँगा और फिर यहाँ से क्रॉप करके फिर मैं ये जो है बेल आइकॉन दूसरा वाला जो हमने दबा के बनाया हुआ है इसको मैं कर लेता हूँ। ये जैसे ये ऐसा बेल आइकॉन है जैसे किसी ने बेल आइकॉन दबा के इसको कर दिया। ये हुआ, ये हमने वहीं सेट कर दिया। इसको सेट करने के बाद फिर ओके कीजिए कर दिए। ओके करने के बाद फिर हम यहाँ पे जाते हैं इस पर। तो इसमें जाने के बाद हम इसको क्या करते हैं, फिर हम यहाँ से ये दूसरा अपना स्क्रीनशॉट उठाते हैं जिसमें हमारे 103 वाले सब्सक्राइबर हैं। हम इसको फिर से 103 सब्सक्राइबर को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम इसको फिर वहीं एडजस्ट कर लेते हैं जहाँ पहले हमने एडजस्ट किए थे। तो ये हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया हमारे कितने सब्सक्राइबर हैं यहाँ पर। तो थोड़ा और क्रॉप कर लेते हैं ताकि अच्छा से बन जाए, लेकिन टाइम लगेगा। तो लेकिन मेरी वीडियो को लास्ट तक देखो, इंटरेस्टेड वीडियो है, ऐसी बात नहीं है। तो ये हमारी सेटिंग हो चुकी है, इसको थोड़ा सा सीधा करके ये हमारी सेटिंग हो चुकी है। और इसको हम अब यहाँ से कॉपी करके यहाँ हमारा सेट करके फिर हम इसको सेव कर लेते हैं इस स्क्रीनशॉट को भी। ये हमारे दोनों स्क्रीनशॉट सेव हो चुके हैं। इसके बाद मिनी कैनवास करके हम अपना काइन मास्टर ओपन कर लेते हैं। चलिए काइन मास्टर में, काइन मास्टर ओपन कर लिया मैंने। और काइन मास्टर ओपन करने के बाद यहाँ पर एक प्रोजेक्ट आएगा एम्प्टी प्रोजेक्ट, उसको ओके कर लो। ये आ गया, मैं एम्प्टी प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद मैं मीडिया लेयर में जाता हूँ। मीडिया लेयर से यहाँ से एक बैकग्राउंड उठाता हूँ, मैं वाइट कलर का बैकग्राउंड उठा लिया और आपको जो अच्छा लगे आप वो उठा लो। उसके बाद मैं जो अभी स्क्रीनशॉट बनाया है उसी स्क्रीनशॉट को उठा लेता हूँ जो अभी मैंने पिक्सआर्ट में बना के सेव किए हैं। ये दोनों आ गए, तो मैंने ये उठा लिया है, उन दोनों को एक को उठा लिया है, दूसरे को बाद में और एक। फिर मैं इसमें जाता हूँ, फिर यहाँ से एक मोबाइल PNG उठाता हूँ। अगर आपके पास मोबाइल PNG नहीं है तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर गूगल से आपको नहीं मिलती तो मैं उसकी जो है गूगल में PNG लिख के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर गूगल से PNG नहीं मिलती तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको इधर ही इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो मैं ये डाल रहा हूँ, ये वाली मैं स्क्रीन शॉट डाल रहा हूँ। तो ये डालने के बाद मैं इसको सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद मैं उतना अच्छे से सेट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं जल्दी में हूँ, आप इसको बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं। एंड ये मैंने सेट कर दिया, इसको सेट करने के बाद ये ओके कर दिया। उसके बाद हम लेयर में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ से हम एक ये फिंगर आइकॉन उठाएंगे। ये फिंगर आइकॉन हमने उठा लिया है, तो इस फिंगर आइकॉन को हम सीधा यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे एडजस्ट किया और यहाँ इसमें लिखा है इन एमुलेशन। इन एमुलेशन में इसको जाके स्लाइड में जाओ, स्लाइड अप रख देना, यहाँ नीचे स्लाइड, ये स्क्रॉल अप है, स्क्रॉल अप रख दिया। ये स्क्रॉल अप नहीं, ये दूसरा नीचे लेफ्ट राइट व्हिप्स अप रख दो, पॉप अप एस्टिमेट में सेट कर रहा हूँ। हाँ, ये एंटर स्लाइड अप रख देना, यहाँ पे आपने रख दिया एंटर स्लाइड अप। और उसके बाद इसको थोड़ा सा सेटिंग कर लें। सेटिंग करने के बाद हम वीडियो चला के देख सकते हैं हमारा वो हुआ, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम फिर
एक हैंड और उठा लेते हैं। फिलियर में जाते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ से फिर हम एक हैंड आइकॉन उठा लेते हैं। ये हैंड आइकॉन उठाने के बाद हम यहाँ इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, और करने के बाद हम इस पे रख देते हैं। ये हमने इस पे रख दिया बेल आइकॉन पे, और फिर हम इसको वैसा ही स्लाइड रख देते हैं जो हमने पहले रखा था। वीट स्वीप यहाँ से और फोन पॉपअप, ये पॉपअप को रख दिया। तो उसके बाद ये हमने सेट करके फिर वीडियो चला के देख लेते हैं हम एक बार। ये हमारा सेट हो गया, ये ज़्यादा हो रहा है, और फिर चला के देख लेते हैं कि हमारा सेट हो रहा है। हो गया हमारा सेट। उसके बाद हम यहीं से दूसरा स्क्रीनशॉट उठा लेते हैं। जो भी हमने दूसरा स्क्रीनशॉट बनाया हम उस स्क्रीनशॉट को उठा लेते हैं। पिक्सआर्ट में हमने बनाया था, ये पिक्सआर्ट में मौजूद है। और सॉरी, ये हम दोबारा से लेयर में जाते हैं, लेयर में जाके पिक्सआर्ट में ये दूसरा स्क्रीनशॉट हम उठा लेते हैं। ये दूसरा स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। ये एडजस्ट करने के बाद हम फ्रेंड्स, मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसको अच्छे तरीके से आप एडजस्ट कर लेना, मैं इसलिए अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने एडजस्ट कर दिया इस पर, तो यह हो चुका है हमारा। अब फिर हम वीडियो चला के देख लेते हैं हम पीछे करके। ये इस तरह का बन चुका है हमारा ये स्क्रैप, ये हो चुका है। इस तरह आप अपनी वीडियो को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और अब इसमें क्या बाकी रहा है, ये कवर मैंने डाल दिया, ये भी मैंने डाल दिया। तो ये हमारी वीडियो बनके तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। आप इसको फिर से चला के देख लेते हैं। ये हमने सब्सक्राइब दबाया और ये हमने बेल आइकन दबाया, तो ये हो गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आप इसी तरह का अच्छा से स्लाइडिंग बना सकते हैं और अपने चैनल की ऐड दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट में बताएं, और हम इसी तरह की आपको अच्छी अच्छी वीडियो ला के आपके पास पेश करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।